रितेश की कामयाबी को हजम नहीं कर पा रहे हैं पवन सिंह। जी हाँ, आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप थोड़ा चौंकेंगे। ये वही रितेश पांडे हैं जिनको पवन सिंह अपना छोटा भाई कहते हैं। अभी मलेशिया वाले अवार्ड शो में पवन सिंह रितेश पांडे के हाथों में हाथ डाले, या यूँ कह ले गले में गले डाले, गाना गा रहे थे और रितेश पांडे के साथ खूब मस्ती की। फिर ये क्या, एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई है जहां पर पवन सिंह रितेश पांडे को बहुत ही भला बुरा कह रहे हैं। पवन सिंह कह रहे हैं कि रितेश पांडे का दिमाग खराब हो चुका है, रितेश पांडे अपनी कामयाबी पचा नहीं पा रहा है, रितेश पांडे जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। अब ये सब कुछ क्या माजरा है, हम आपको बताते हैं। रितेश पांडे की एक अलग फैन फॉलोइंग है और पवन सिंह की अलग, लेकिन इन दोनों की गायकी के दीवाने सभी हैं। आपको हम यहाँ एक बात बता दें कि पवन सिंह को एक भोजपुरी के स्ट्रगलर सिंगर ने फोन किया। उन्होंने कहा, भाई हमने अक्षरा सिंह और रितेश पांडे की फ़ोटो लगाकर अपना एक गाना रिलीज़ किया, जिसको बाद में अक्षरा और रितेश ने ज़बरदस्ती हटा दिया। नॉन आर्टिस्ट का अगर हम फोटो लगाते हैं तो फ़ायदा मिल जाता है कि हमारे एल्बम चल निकलते हैं, लेकिन वहां से अक्षरा और रितेश ने इतना दबाव डाला कि एल्बम से अक्षरा और रितेश की फ़ोटो हटानी पड़ी। जैसे ही इस स्ट्रगलर की बात पवन सिंह ने सुनी, वैसे ही वो अक्षरा सिंह पर तो नहीं भड़के, लेकिन रितेश पांडे पर जमकर भड़क गए। उन्होंने कहा, रितेश पांडे जो कर रहा है वो गलत कर रहा है और रितेश पांडे को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब भाई चाहे जो भी हो, पवन सिंह की ये कॉल रिकॉर्डिंग देखकर और रितेश पांडे के साथ मलेशिया वाले अवार्ड शो में बिहेवियर देखकर बड़ा ही ताज्जुब होता है कि क्या पवन सिंह एक ही व्यक्ति को कभी गाली भी दे सकते हैं और फिर उसे प्यार से अपने पास बिठा कर उसके साथ गाना भी गा सकते हैं। भाई जो भी है, इस खबर की, इस कॉल रिकॉर्डिंग की पुष्टि तो हम भी नहीं करते, लेकिन यहाँ ये सब कुछ देखकर ऐसा लगता है कि फिल्मी दुनिया में सारे रिश्ते दिखावे के हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।